हाय गाइज एंड वेलकम बैक। मैं वापस आ चुकी हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ, जो कि है मिंत्रा मैक्सी ड्रेस हॉल। इधर उधर की बातें करके मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं और आपको ड्रेसेस दिखाते हैं। ये रहा मिंत्रा का फर्स्ट पैकेट, जिसे मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए ना, क्या पता मिंत्रा के पैकेट के अंदर वो क्या डिलीवर करके चले जाएँ। तो बिल्कुल एक्टिंग नहीं करूँगी मैं पैकेट खोलने की। सो इस पैकेट के अंदर से ये दो मैक्सी ड्रेसेस निकली हैं और इनको जल्दी से अनबॉक्स करके देख लेते हैं। अच्छा, ब्रांड का नाम मैं आपको बता देती हूँ, ये है फ्रॉम रेयर, और रेयर में ड्रेसेस का कलेक्शन, टॉप्स का कलेक्शन और कुर्तियों का कलेक्शन बहुत ही अच्छा मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उम्मीद नहीं थी मुझे ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। कलर है इसका पीच, जैसा आपको दिख रहा है कैमरे में बिल्कुल वैसे ही कलर है। साइज़ मैंने स्मॉल मंगवाया है, और वही प्रॉब्लम जो मुझे हर बार होती है कि इसके आर्म होल्स बहुत ही बड़े लग रहे हैं स्मॉल साइज़ के हिसाब से। बट कोई बात नहीं, अगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया पहन करके तो मैं इसे ऑल्टर भी करवा लूँगी। यहाँ साइड में आपको पूरा ये स्लिट मिलेगा। तो ये एक लेयर्ड गाउन है, ये रही इसकी पहली लेयर, वाइट कलर की है ये, थोड़ी सी ऑफ वाइट, और ये रही दूसरी लेयर, और दोनों साइड में ये स्लिट है। आपको ये स्ट्रिंग मिल जाता है जिससे आप इसको टाइट कर सकते हो, और ये थोड़ा सा ट्रांजी सा तो है। देखो, आपको इसके नीचे लेगिंग्स तो पहनना ही पड़ेगा, विदाउट लेगिंग्स आप नहीं पहन सकते। सो ये मैक्सी ड्रेस तो नहीं, कुर्ती आप कह सकते हो, जब आपको लेगिंग्स पहननी पड़ेगी तो ड्रेस किस बात की है ना। इसका कंप्लीट लुक पहन करके एक ऐसा लगता है ये आपको साइड में दिख जाएगा। मजे की बात यह है कि इसका प्रिंट प्राइस है 1799, मतलब 1800 रुपए, और ये मैंने लिया है 800 रुपए का, मतलब 1000 रुपए डिस्काउंट। ऑफ सीजन में शॉपिंग करने का यही फायदा होता है। ओवरऑल पसंद आई मुझे ये कुर्ती, काफी अच्छा लुक दे रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सूदिंग सा कलर है, तो गर्मियों के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट कुर्ती कम मैक्सी ड्रेस जो है हमारी, ये है ब्रांड गेरुआ की। इसका प्राइस है 1799 रुपीज़, लेकिन अगेन मैंने इसे 800-900 के अंदर ही लिया था, और ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। क्या ये स्लीवलेस है? नहीं, स्लीव्स हैं इसमें। इतनी सारी शॉपिंग करने से ना यही होता है, खुद ही भूल जाते हैं कि हमने क्या लिया है। सो स्लीव्स हैं इसमें, और मैंने ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में लिया है। कलर इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे, बिल्कुल लाइट पिंक सा है, और थोड़े डार्क पिंक कलर से यहाँ पे आपको प्रिंट मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर कुर्ती है, आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इसकी सेल इतनी ज़्यादा होती है ना कि ये स्टॉक में आती है और वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो बिल्कुल मतलब नज़रें आपको इस पर लगा के रखनी पड़ेंगी कि जैसे ये स्टॉक में आए वैसे ही आप इसे खरीद लें, अदरवाइज़ इसको आउट ऑफ स्टॉक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। बात की जाए इसके फैब्रिक की, तो फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है, कम्फर्टेबल होगा क्योंकि ये कॉटन है, और कॉटन तो बेस्ट ही होता है गर्मियों के लिए। नेक्स्ट मैक्सी ड्रेस खोलते हैं, और ये तो मुझे पैकेट के अंदर से देखने से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स सी कि पहन करके कैसा लगता है। फैब्रिक भी इसका मुझे पसंद नहीं आया। ब्रांड क्या है आपको बता देती हूँ, ब्रांड का नाम है हेयर एंड नाउ, और हेयर एंड नाउ की ड्रेसेस तो बहुत ही अच्छी होती हैं, पर ये मुझे पसंद नहीं आई। बिल्कुल यूनिफॉर्म जैसा फैब्रिक है इसका, और कलर है इसका नेवी ब्लू, इसलिए और यूनिफॉर्म जैसा लग रहा है। बहुत ही प्लेन सी ड्रेस है, इस पर कोई प्रिंट नहीं मिलेगा आपको। आई थिंक साइज़ भी इसका बड़ा ही है, स्मॉल साइज़ मैंने मंगवाया था, बट स्मॉल साइज़ के अकॉर्डिंग बड़ा लग रहा है। बस ये नेक पे इन्होंने डिज़ाइन के नाम पे एक ये छोटा सा कट दिया हुआ है, और पूरी ड्रेस प्लेन है, इस पर कुछ भी डिज़ाइन नहीं है। फैब्रिक इसका इतना ख़राब मिंत्रा की इमेज में नहीं लग रहा था, थोड़ा शाइनी सा फैब्रिक लग रहा था, बट सामने से ये बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रहा है। सो नहीं, ये तो रिटर्न ही जाएगा। नेक्स्ट पैकेट, और इसके अंदर से निकला है मेरे फेवरेट ब्रांड लिबास का एक मैक्सी ड्रेस, और इससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी। लेट्स सी कि ये कैसा आया है। वाओ, पहन करके कैसा लग रहा है, इसका लुक आपको साइड में दिख जाएगा। और काफ़ी टाइम से ये मेरी विशलिस्ट में पड़ा हुआ था, पर मैं इसे ले नहीं पा रही थी क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। बट अभी फाइनली मुझे ये मेरे साइज़ में मिल चुका है। इसका कलर थोड़ा सा नेवी ब्लू सा है, लेकिन मिंत्रा की इमेज में आपको ब्लैक दिखाई देगा। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है जैसा ये मिंत्रा की इमेज में दिख रहा था उससे, लेकिन बुरा बिल्कुल भी नहीं है। सामने से देखने पर भी मुझे कोई शॉक नहीं लगा कि हाँ ये क्या ही भेज दिया इन्होंने। अच्छी लगी मुझे ये मैक्सी ड्रेस, और आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो मैक्सी ड्रेसेस मैंने आपको दिखाई हैं ये बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, तो आपको विशलिस्ट में संभाल के रखना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ही वापस इन स्टॉक आए वैसे ही आप इसे ले लीजिए। बात की जाए अगर इसके फैब्रिक की, तो इसका फैब्रिक कॉटन तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ अलग ही मटेरियल होता है लिबास के, कुर्तों का और मैक्सी ड्रेसेस का, तो इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, और ये मेंशन भी नहीं करते हैं कभी भी अपने टैग पे या मिंत्रा के डिस्क्रिप्शन में। बट हाँ, कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि चुभने वाला फैब्रिक हो, बहुत ही कंफर्टेबल सा फैब्रिक है, लेकिन हाँ कॉटन तो नहीं है, इतना तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको। सो गाइस, इसी के साथ खत्म होता है आज का हमारा मिंत्रा मैक्सी ड्रेस हॉल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोज आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि आपसे वीडियोज मिस ना हो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।